अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो महमूद अली साहब, खैरियत? आपसे है सब 2 मिनट बात करना चाहूँगा। महमूद बताइए। अच्छा अली साहब, ये अच्छा पुलिस जो काम कर रही, फ्रेंडली काम कर रही, क्यों, क्या प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? पुलिस देखिए आप ही देख रहे होंगे आप भी लैंड ऑर्डर रहता, पुलिस के जिम्मे जो है ना जी। कानून की हिफाजत करना था। कानून की जो भी खिलाफ वर्जी करते हैं लोग जरूर पुलिस वाले कानून के शिकंजे में जो भी रहता लेके आते हो। आप आज ही देखिए, आप एक वही सब लड़का दूध बताइए, घबराहट आसिफ उसकी तो नगर, इंक्वायरी आसिफ करते हैं। नगर पुलिस स्टेशन का क्या है। हुआ एक बच्चा आसिफ नगर में? दूध लाने के लिए बाहर निकला, बच्चा आसिफ नगर कब गया दूध लाने के लिए? 2 बजे के टाइम पे। नहीं, नहीं 2 बजे तक कर्फ्यू लगा भाई, आप बताइए जी। क्यों कुछ कर्फ्यू का कभी मतलब किसी की क्या रहता है? मजबूरी दे रही लाउडर थी ना महमूद अली साहब। दूध लगाने का, दूध की मजबूरी सुबह में ले लेना, सुबह में लेना, नहीं, कभी किसी की क्योंकि जो मजबूरी रहती, लॉकडाउन किसी के का, पैसे सुनिए, नहीं जो रहते जो हैं। जो लॉकडाउन का जो टाइम रहता है उसके टाइम की थोड़ी पाबंदी करना, दूध नहीं तो लाने के, रिक्वेस्ट कर आप लेना सुनिए मेरी आपका। बात, दूध लाने के लिए निकले, सुनिए वहां के सुनिए, मैं तो बहुत कांस्टेबल सुनता हूँ, दिन भर में कांस्टेबल उनको बराबर मार आप के तो आग गलती पे गलती है फोड़ तो दिए जरूर कहाँ पे वो आसिफ नगर में जी। इंक्वायरी करवाएंगे आप, बेफिक्रिए, मुझे अभी और एक और आप भी 1 मिनट बताए सुनिए, आप बताइए बताइए। ओल्ड सिटी में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में 2 बच्चे, एक हमदर्दी के तौर पर एक अच्छा काम करने के लिए रुका है, उनके भी ऊपर केस करके जेल आप को भेज समझते दिया अच्छा है, उनको भी। कानून जो समझता वो अच्छा नहीं है ना। आप समझते ही अच्छा है, दो बच्चे जो है मुस्लिम बच्ची को देख के रोके, मगर कानून क्या बोलता? कानून अच्छा, अगर आप 18 ये साल भी से बात छोटी बोल रहे बच्ची हैं रही तो जी जी। हमारा एक आसिफ नाम के शख्स है, उन्होंने ओमान से कॉल करे, ऐसा पुलिस वालों को, खाली उन्होंने जरा ऐसा बोले, आपकी अच्छा वर्दी बोल उतार सकते देंगे हैं आप? बोले मैं ना। देखा व्हाट्सएप विश्वास से बोल रहा हूँ, इसका ड्रेस उतार ले तो बोलते अब ना बोलती, उनकी जुबान से गुस्सा आया, कैसा निकल बोलते? गया नहीं बोल महमूद सकता अली ना, साहब जबान उनसे। है, आप जबान जितनी गलत इस्तेमाल करेंगे उस पर कानून एक्शन लेता। ऐसा बात करने का हम कंप्लेन करते बोलना। देखिए एक बात सुनिए, कहाँ तक पढ़े आप, मैं 10th क्लास तक पढ़ा, क्या उम्र है आपकी? 26 मेरी 26 ईयर। है ना, तो हर एक के ऊपर एक ऑफिसर रहता नहीं, आपकी बात पुलिस सही ऑफिसर। है, आप सुनिए मेरी बात, बात अगर वो जज्बाती बोलते कि रहते हम ना। आपका आपके बारे में कमिश्नर साहब को हम कंप्लेन करेंगे, आपको अमल अच्छा नहीं है बोले तो बस था जी नहीं, आदमी आप हमेशा। बोल हाँ रहे सही बात है, जल्दी, आप बात जाने जज्बाती रहते हो ना, जरा जज्बात से नहीं बोल नहीं दिया, आपकी जज्बाती कैसा नहीं है, वर्दी देखिए उतार देंगे आप बोल के। मेरा वही तो बोलने का मतलब है, जज्बा से काम चलने वाला नहीं है। आप अच्छे अल्फाज में उसकी तंबीह कर सकते हो, उसे बता सकते, आप बोल सकते कि आपके ऊपर हायर ऑफिसर तक हम लोग पूरा डिटेल कंप्लेन करेंगे और जरूर उसके ऊपर इंक्वायरी करते हो, अगर आप गलत काम करें तो जरूर उसको आपको सजा मिलेगी, वो तो खत्म, ऐसा हमको बोलना तो, चाहिए। अब वो क्या है कि अल्लाह बेहतर जाने, पुलिस तो फ्रेंडली काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए थोड़ा महमूद अली देखिए, साहब। मुसलमान हिंदू का नहीं रहता मेरे भाई, आप समझिए बात कैसा रहता। वो तो जो भी कानून, अगर पुलिस का इंतजाम, अगर लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने में, खास तौर से लॉकडाउन के अंदर पुलिस एक्टिव नहीं रही तो पुलिस का मतलब ही खत्म हुआ था। पुलिस जो रहती है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करते उनके साथ बराबर कानून को लागू करने के लिए सारी दुनिया की पुलिस वही करती, हमारी पुलिस नहीं। आप कंपेयर कर लीजिए दूसरे नहीं, स्टेट की पुलिस से हमारी हमारी पुलिस के नहीं, बारे में, दूसरे स्टेट में महमूद अली साहब, अब जी हमारे बताइए। सीएम साहब भी क्या करे, निखिलेश रोड का नाम चेंज कर दिए। अरे वो सब ये चीज मुझसे मत पूछा, ये एक सिस्टम रहता जो रहता काम का, वो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम से रखे, हर जगह जहाँ जो अच्छा प्राइम साहब, तो मिनिस्टर फिर ये रहता सेक्रेटरीट की मस्जिद का क्या हुआ साहब फिर? दर बना देंगे आप बेफिक्र रहिए, वो कब इंशाल्लाह बहुत बनाएंगे जल्दी साहब? उसका आपका सेक्रेटरीट चालू होने से पहले बनाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। जब तक सेक्रेटरीट में खत्म नहीं रहेंगे, जब तक मस्जिद आबाद नहीं साहब होगी, फिर आप आपकी बेफिक्र जबान रहिए। पे रहना, आप सिक्रेटेड में खत्म पक्का रखने से रहते पहले आप दफा मस्जिद में आपके, खत्म रखेंगे आप पहले? आपको 100% इसलिए बता रहा है कि सेक्रेटरी इनाग्रेशन से पहले मस्जिद का इनाग्रेशन करिए। हम लोग लंबा फोन पे नहीं करते, फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, मैं, आप बात आपको करें बहुत बता रहा हूँ। शुक्रिया आपका, नहीं नहीं लेकिन नहीं जरा आप आपको एक आपको बता रहा रिक्वेस्ट हूँ, करिए पुलिस से प्लीज। जरूर करेंगे हम भी, कमिश्नर साहब को बोले इसके ऊपर इंक्वायरी करो क्या हकीकत क्या है बोल के, आप बेफिक्र रहिए। हम जो सिस्टम से काम होता जरूर करते रहते और जरूर जस्टिस करने की कोशिश करते, आप बेफिक्र रहिए। आप मस्जिद का पूछे, आपसे मैं वायदा करो, आपसे बता रहा हूँ, सेक्रेटरी शुरू होने से पहले मस्जिद में नमाज होंगी, मस्जिद की अजा होंगी, उसके बाद सेक्रेटरी चालू होगा, आप बेफिक्र, ठीक है उसकी साहब, उसकी आप आपकी जुबान पे मेरी रहिए, आप सिक्रेटरिएट पक्की में जबान है जाने से पक्की। पहले आप मस्जीद में जाएंगे आप नमाज के आपके हमारे हाथ में लिए। है, वो हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, वो कभी भी आप बेफिक्र है, कोई लिटिगेशन नहीं है, वो इंशाल्लाह अच्छी मस्जिद बनाई जाएगी, आप बेफिक्र है। एक नहीं है दो मस्जिद बना रहे हैं वहां पे, जरूर बनाएंगे दोनों मस्जिद। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज।